हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3B से क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 एंड पेज नंबर 110 में ये क्वेश्चन गिवन है। 3x-5y-19=0, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया है, एंड -7x+3y+1=0, इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं x का जो वेरिएबल है, सबसे पहले हम दोनों को सेम करेंगे, सेम बनाना है, इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो सेम बनाने के लिए फ्रेंड्स इक्वेशन 1 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो इक्वेशन 1 में हमें 7 से करना है, 7 × 3 = 21x - 7 × 5 = 35y - 7 × 9, क्या हो जाएगा 7 × 9 = 133, ठीक है, = 0, या तो 133 हम इधर भी राइट हैंड साइड में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद से इक्वेशन 2 में हमें 3 से करना है, तो 3 × 7 = 21, माइनस का रहेगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है। इसके बाद से 3 × 3 = 9y + 3 × 1 = 0, यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 3 से इन इक्वेशन 2, ये हो गया। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 दोनों को ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, और प्लस और माइनस 21x कैंसिल हो जाएगा, -35y + 9y सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का आएगा, क्या आ जाएगा 26y, ठीक है, और प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 130 = 0। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, बाय एडिंग ऐड किया है हमने इक्वेशन 3 and 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 वेरिएबल में हो गई है इक्वेशन, तो वाई को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, -26y = हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 130 को ट्रांसपोज करके राइट में लेके आए, प्लस में हो गया, सो y = क्या होगा 130/-26। सॉल्व कर लेंगे, 13 × 1 = 13 and 0 as it is 13 × 2 = 26, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो हमें यहाँ पे क्या मिला 5/-1, माइनस है डिनोमिनेटर में, उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, -1/-1 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा -5/+1 = -5। ये क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा वाई, वाई की वैल्यू क्या हो गई है माइनस का 5। इस तरह से हमने यहाँ पे वाई को फाइंड कर लिया है, y = -5। अब इस y की वैल्यू को हमें पुट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं x को, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3x - 5 × -5, y की वैल्यू हो गई, और -19 = 0, यहाँ पे लिख देंगे बाय पुटिंग y = -5 in equation 1, इस तरीके से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x - +25 - 19 = 0, 3x = क्या मिलेगा हमें, +6 = 0, सो 3x = -6 एंड
एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन टू, दैट मीन्स सॉरी यहाँ पे क्या है थ्री है, तो क्या मिल जाएगा हमें इज इक्वल टू माइनस टू, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दोनों ही वैल्यू फाइंड कर लिया है एक्स और वाई की। एक्स इज इक्वल टू हमें मिला है माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू मिला है माइनस फाइव, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और इस तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।